हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पांचवें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले क्लास में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, यानी आपके परीक्षा के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन थे। तो यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं, पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जस्ट हम आज उसके आगे से शुरू करेंगे, यानी कि आज के इस क्लास में जहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में समाप्त किए थे उसके आगे से देखना शुरू करेंगे। तो यदि आप लोग पिछला क्लास किए होंगे तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम आपको यहां तक सारे प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे, यानी कि सबसे आखिरी प्रश्न हम आपको बताए थे कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें। यहां तक हम आपको पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में जस्ट इसके आगे से, यानी कि हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न आज देखेंगे कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इसे एक प्रयोग के द्वारा दिखाइए, या फिर इसी प्रश्न को कहा जाता है कि एम्पियर के प्रयोग को लिखें, यानी कि एम्पियर ने यही प्रयोग किया था कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जवाब इसका एक ही होगा, जवाब सेम होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इसे प्रयोग के द्वारा दिखाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑस्टरेट के प्रयोग के बारे में पढ़ा था, और ऑस्टरेट के प्रयोग में हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालता है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इसे दिखाइए। यानी कहने का मतलब कि सीधे ऑस्टरेट के प्रयोग का उल्टा। ऑस्टरेट ने बताया था, बस आप लोग ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। ऑस्टरेट ने बताया था कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालता है, लेकिन ऑस्टरेट का सीधा उल्टा बताया एम्पियर ने कि चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है। तो हम लोगों को यही सिद्ध करना है कि चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इसे हम लोगों को दिखाना है। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ऑस्टरेट साहब ने हम लोगों को बताया कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा चुंबक पर बल लगाती है। तो ठीक इसका विपरीत, यानी ठीक इसका उल्टा, एम्पियर साहब ने बताया कि चुंबक भी परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत बल लगाती है। यानी कि ऑस्टरेट साहब ने बताया कि विद्युत धारा चुंबक पर बल लगाती है, तो एम्पियर साहब ने बताया कि चुंबक भी अपने परिमाण के बराबर और अपने विपरीत दिशा में बल लगाती है। किस पर? विद्युत धारा पर। तो इसी को हम लोगों को एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग फिगर के माध्यम से समझिए। फिगर अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर यह प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर एक स्टैंड लिया गया है, यह वाला जो आप भाग देख रहे हैं यह एक स्टैंड है, और स्टैंड से एक एल्युमिनियम के पत्ती को इस प्रकार से लटकाया गया है, ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, और इसमें तार जोड़ दिया गया है। इधर जो इतना हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, यह तार जोड़ दिया गया है, और इसमें बीच में यहां पर एक एल्युमिनियम का पत्ती लटकाया गया है, और इधर जो आप देख रहे हैं यह वाला भाग, यह एक चुंबक है, ठीक है, यह एक चुंबक है। तो अब आप लोग ध्यान से यहां पर समझिएगा कि आखिर इस एल्युमिनियम के पत्ती को और इस चुंबक को इस प्रकार से क्यों व्यवस्थित किया गया है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम लोग इस तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी कि जैसे ही हम लोग इस तार में लाइन देंगे, यह एल्युमिनियम का जो पत्ती है वह प्रभावित हो जाएगा, यानी कि हल्का विचलित हो जाएगा। किसके वजह से विचलित हुआ? तो इस चुंबक के वजह से विचलित हुआ। यह तो सीधा इस प्रकार से लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही हम लोग इस तार में विद्युत धारा का प्रवाह किए, यह हल्का विचलित हो गया इस चुंबक की वजह से। यानी कहने का मतलब कि यह जो चुंबक है, यह भी विद्युत धारा पर अपना प्रभाव दिखा रही है। तो इसी बात को हम लोग नीचे शब्द में लिख देंगे कि ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार उपकरण को सजा दिया जाता है, और जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम का पत्ती आगे की ओर विस्थापित हो जाता है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ध्यान से कि जैसे ही इस परिपथ में विद्युत धारा को
प्रवाहित किए तो यह जो एल्युमिनियम का पत्ती है यह चुंबक की तरह सट गया, चुंबक की तरफ यानी कि चुंबक की दिशा में यह सट जा रहा है जाकर के, यानी कि आगे की तरफ जाकर के विस्थापित हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि इस प्रयोग को जब चुंबक हटा करके किया गया तो एल्युमिनियम के पत्ती में कोई विस्थापन नहीं होता है, यानी कि जब चुंबक को वहां पर नजदीक में रख करके हम लोग परिपथ में विद्युत धारा दे रहे हैं तो एल्युमिनियम का पत्ती विस्थापित हो रहा है, लेकिन जब चुंबक को हटा करके हम लोग विद्युत धारा दे रहे हैं तो एल्युमिनियम का पत्ती विस्थापित नहीं हो रहा है। और जब परिपथ में धारा बदलकर प्रवाहित कराया जाता है तो एल्युमिनियम का पत्ती अब पीछे की ओर विस्थापित होती है, यानी कि जब उल्टा धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो वह पीछे की तरफ ढकेल रहा है, लेकिन जब सीधा धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वह जो चुंबक है वह अपनी तरफ खींच रहा है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है वह चुंबक की वजह से हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि चुंबक भी विद्युत धारा पर अपना बल दिखा रही है। तो इसी चीज को यहां पर लिखा गया है कि तो एल्युमिनियम का पत्ती अब पीछे की ओर विस्थापित होती है और इस प्रयोग को चुंबक हटाकर करते हैं तो एल्युमिनियम के पत्ती में कोई विस्थापन नहीं होता है, अतः इस प्रयोग से यह पता चलता है कि चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। तो जिस प्रकार से ऑस्टेड का प्रयोग था उसी प्रकार से यहां पर एम्पियर का भी प्रयोग है। यदि आप लोग फिगर को समझ गए तो समझिए कि आप लोग यह प्रयोग को आसानी से कर लेंगे। यहां पर जो यह बीच में चुंबक लिया गया है यदि इसको हटाया जाता है तो इस एल्युमिनियम के पत्ती में किसी प्रकार का कोई विस्थापन नहीं होता है, लेकिन जब इस चुंबक को यहां पर पास में रख करके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो यह विस्थापित हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है यहां पर यह चुंबक के कारण ही हो रहा है, क्योंकि चुंबक को हटा देने से कुछ नहीं होता है और जैसे ही चुंबक पास में लाते हैं तो जब हम लोग सीधा धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबक की दिशा में सट जाता है और यदि उल्टा धारा प्रवाहित करते हैं तो यह पीछे की तरफ चला जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चुंबक भी विद्युत धारा पर बल लगाता है। तो आपसे प्रयोग में यही पूछ रहा था कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इसे एक प्रयोग के द्वारा दिखाइए, और इसी प्रयोग को कहा जाता है एम्पियर का प्रयोग, क्योंकि यह जो प्रयोग था वह सबसे पहले एम्पियर ने ही किया था। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रयोग को अच्छे तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखना है एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ऑस्टेड साहब ने हम लोगों को बताया कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा चुंबक पर बल लगाती है, तो ठीक इसका उल्टा एम्पियर साहब ने बताया कि चुंबक भी अपने परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत बल लगाती है। और इस प्रकार से आपको एक फिगर बना देना है और फिगर में जो कुछ भी दिखाया गया है उसको बस नीचे यहाँ पर लिख देना है कि ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार उपकरण को सजा दिया जाता है और जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम का पत्ती आगे की ओर विस्थापित होता है। इसी प्रयोग को जब चुंबक हटा करके किया जाता है तो एल्युमिनियम के पत्ती में कोई विस्थापन नहीं होता है और जब परिपथ में धारा बदलकर प्रवाहित कराया जाता है तो एल्युमिनियम का पत्ती अब पीछे की ओर विस्थापित होता है। इस प्रयोग को भी चुंबक हटाकर करते हैं तो एल्युमिनियम के पत्ती में कोई विस्थापन नहीं होता है, अतः इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। तो यहां पर आप लोग इस प्रयोग को अब अच्छे तरीके से लिख लेंगे यदि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि एल्युमिनियम का पत्ती सबसे अधिक कब विस्थापित होगा, बताइए आप लोग एल्युमिनियम का जो पत्ती है वह सबसे अधिक कब विस्थापित होगा, तो इसका जवाब होगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के लंबवत होगा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यदि वह विद्युत धारा के लंबवत है तो सबसे अधिक विस्थापित होगा एल्युमिनियम का पत्ती, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो चुंबक के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसका फॉर्मूला एक होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला यानी बल का हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो यहां पर एफ बराबर विल साइन थीटा होता है, ध्यान रखिएगा विल साइन थीटा। विल कहने का मतलब बी आई एल, जहां पर बी क्या है तो बी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोल रहे हैं, आई क्या है तो आई से हम लोग विद्युत धारा को सूचित करते हैं, पिछले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं, और पत्ती की लंबाई यानी कि लंबाई कहने का मतलब लेंथ हो गया, तो L से हम लोग पत्ती की लंबाई को सूचित कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा F बराबर जो विल साइन थीटा है यानी B I L साइन थीटा, जहां पर B बराबर चुंबकीय क्षेत्र, I बराबर विद्युत धारा और L बराबर पत्ती की लंबाई हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें।
ध्यान रखिएगा आप लोग, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, लेकिन यहां पर है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, या तो आपसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पूछा जाएगा या फिर फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है। कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, जिसमें पहला है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि एक अंगूठा लेना है, एक अंगूठे के बीच वाला अंगुली और एक सबसे बीच वाला अंगुली, यानी कि जो सबसे बीच वाला अंगुली होता है, जो एक अंगूठा और एक अंगूठे का बीच वाला अंगुली, तीनों को हम लोगों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि तीनों एक दूसरे पर लंब हो, यानी कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी कि तीनों अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। यहां पर चित्र के माध्यम से आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को अंगुली रखना है। यहां पर देख रहे हैं अंगूठा सीधे ऊपर में है, यानी कि जो अंगूठा है अपने बगल वाले अंगुली पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उसके बगल में जो अंगुली है देख रहे हैं कि उसके नीचे वाले अंगुली पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को तीनों अंगुलियों को व्यवस्थित करना है, और उसी चीज को लिखा गया है कि अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, मध्यमा है वह विद्युत धारा की दिशा को बतलाता हो, तो वही अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा को बतलाएगा। सिर्फ आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कौन अंगुली क्या बतला रहा है। यदि आप लोग इसको ध्यान में रख लेते हैं तो समझिए कि आप लोग फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम समझ गए। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि कौन अंगुली जो है वह किस चीज की दिशा को बतला रहा है। तो अभी हम आपको बताएं कि जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो अंगूठे के बगल वाला अंगुली है, यानी कि जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। मध्यमा, मध्यमा कहने का मतलब कि जो सबसे बीच वाला अंगुली है, तो जो सबसे बीच वाला अंगुली है वह विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा, वहीं अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा को बतलाएगा। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें यही ध्यान रखना है कि तर्जनी क्या बता रहा है, मध्यमा क्या बता रहा है और अंगूठा क्या बतला रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए, कह रहा है यहां पर कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तो वह चलने लगता है, और चलने के क्रम में इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है, इस बल का नाम है लॉरेंज बल। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लॉरेंज बल क्या है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। मान लिया जाए कि एक चुंबक यहां पर हम लोग ले लिए और एक चुंबक हम लोग यहां पर ले लिए, और इसके बीच से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं एक तार के माध्यम से। तो आप लोगों को पता है कि जो तार में जो गतिशील कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि जो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही गतिशील कण होते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि बीच में यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, अगर दोनों तरफ से चुंबक हम लोग रख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि बीच में जितना भी स्पेस खाली हो गया यह सारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यानी कि सभी जगह चुंबक अपना बल दिखा रहा है। तो यही चीज को यहां पर कह रहा है, फिगर को आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तो वह चलने लगता है, मतलब हल्का सा गति करने लगता है, और चलने के क्रम में इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है। जाहिर सी बात है कि वहां पर चुंबकीय बल होगा, और जो चुंबकीय बल है तो इसी को इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर अनुभव करता है कि हमारे ऊपर कोई बल लगा रहा है। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लग रहा है उसको ही हम लोग लॉरेंज बल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है और वह चलने लगता है, और चलने के क्रम में इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है, इस बल का नाम है लॉरेंज बल। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर टॉपिक कह रहा है कि दो समांतर तारों में जब एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है तो इसमें आकर्षण की क्रिया होती है, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होने पर विकर्षण की क्रिया होती है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। आप लोग अपने घर में या फिर अपने गांव में देखते होंगे कि दो पोल रहता है, ठीक है, जिसमें बिजली का तार जाता है, इसमें तीन तार यहां पर जाता है, ठीक है, तीन तार।
या फिर कहीं कहीं पर चार तार भी जाता है, लेकिन आमतौर पर तीन तार ही जाता है, तीन फेज। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि यह तीनों तार आपस में सट जाता है। क्यों सट जाता है, इसी चीज को यहां पर समझना है। कह रहा है कि दो समांतर तारों में, यहां पर तीन तार है, यह तीनों आपस में समांतर है, जब एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है, यानी कहने का मतलब कि तीनों में धारा का प्रवाह इधर से इधर की तरफ होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक तार में इधर हो रहा है तो दूसरे में इधर होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तीनों में एक ही दिशा में तार प्रवाहित होगा, यानी कि जब इधर से इधर आ रहा है तो हर एक तार में इधर से इधर ही धारा जाएगा। तो कह रहा है, यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, कि विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होने पर विकर्षण की क्रिया होती है और एक ही दिशा में धारा के प्रवाह होने पर आकर्षण की क्रिया होती है। यानी यहां पर कह रहा है कि यदि दोनों तार में अगर एक ही दिशा में यहां पर विद्युत धारा जा रहा है तो आकर्षण की क्रिया होगा, लेकिन दो तार हम लोग ले लिए, एक में इधर विद्युत धारा जा रहा है तो दूसरे में उसका सीधा उल्टा, यानी कि एक में आगे की तरफ विद्युत धारा जा रहा है तो दूसरे में पीछे की तरफ, तो वैसा तार कभी भी आपस में नहीं सटेगा। यानी कि जब एक में आगे की तरफ धारा जाए और दूसरे में पीछे की तरफ धारा जाए तो कभी भी वह तार आपस में नहीं सटेगा, क्योंकि हमेशा उसमें विकर्षण होगा, यानी कि वह दूर हटेगा। लेकिन हमेशा तार इसलिए सट जाता है कि जो धारा होता है वह एक ही दिशा में जाता है, और जब धारा एक ही दिशा में जाता है तो उसमें आकर्षण की क्रिया होती है, वह आपस में सटना चाहता है, और इसलिए जो तार होता है वह हल्का सा भी आंधी आने पर या फिर जोर से हवा चलने पर आपस में सट जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों जो तार होता है वह आपस में सट जाता है, क्योंकि उसमें आकर्षण की क्रिया होती है। चलिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। पहले से कितने सारे स्टूडेंट थे जो इसका जवाब जानते थे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, नीचे कमेंट में हमें बताएंगे कि हाँ सर, हम पहले से जानते थे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वह ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है, क्या होता है, टेस्ला, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कभी कभी यह भी पूछ देता है कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक टेस्ला बराबर होता है एक न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। यानी कहने का मतलब, यहां पर इसको आप लोग यूनिवर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक न्यूटन यूनिवर्स एम्पियर यूनिवर्स मीटर। कैसे यह आ गया आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अभी हम आपको बताए थे लगने वाला बल, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है उसका परिभाषा बताए थे, एफ बराबर विल साइन थीटा, विल कहने का मतलब बी आई एल साइन थीटा, जहां पर बी कहने का मतलब, आई कहने का मतलब और एल कहने का मतलब हम आपको समझाए थे। तो ध्यान रखिए, एफ बराबर बी आई एल है तो बी बराबर निकालेंगे तो एफ बटा आई एल हो जाएगा, और एफ कहने का मतलब फोर्स, यानी कि बल हो रहा है तो बल को हम लोग न्यूटन से यहां पर सूचित करते हैं, तो एफ के बदले में हम लोग एन लिख दिए। आई कहने का मतलब विद्युत धारा होता है तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से सूचित करते हैं, तो यहां पर ए लिख दिए। और एल कहने का मतलब लेंथ होता है तो लेंथ को हम लोग लंबाई से सूचित करते हैं, यानी कि मीटर, यानी कि एम लिख दिए, तो एन बटा ए एम हो गया। और यदि हम लोग ए एम को ऊपर लेके जाएंगे तो यही यूनिवर्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि न्यूटन एम्पियर यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही जो होता है न्यूटन एम्पियर यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स, यह चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला बराबर होता है, यानी कि एक टेस्ला बराबर एक न्यूटन यूनिवर्स एम्पियर यूनिवर्स मीटर। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे फैराडे का प्रयोग। अभी तक हम आपको ऑस्टेड का प्रयोग बता चुके हैं, एम्पियर का प्रयोग बता चुके हैं, और जस्ट इसके अगले क्लास में एक प्रयोग और पढ़ेंगे, वह होगा फैराडे का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पार्ट में हम आपको ऑस्टेड का प्रयोग बताए थे, दूसरे पार्ट यानी कि इस वीडियो में हम आपको एम्पियर का प्रयोग बताए, और अगले वीडियो में हम आपको फैराडे का प्रयोग बताएंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बस आप लोगों को आज का यह क्लास कैसा लगा जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जबरदस्त तरीके से एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
और यदि आप लोग एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही हम समाप्त करते हैं, यहाँ पर हम आपका समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न का उत्तर हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।